दो दशक बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में दो दिन तक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। मकसद, वहां छिपे आतंकियों का सफाया। इस अभियान में अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई घायल हुए हैं, हजारों ने घर छोड़ दिया है। इस अभियान में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना ने रॉकेट हमले के जवाब में गाजा में हवाई हमले भी किए। बताया कि इन हमलों का लक्ष्य अंडरग्राउंड हथियार बनाने की फैक्ट्री और रॉकेट बनाने के लिए कच्चा माल बनाने की फैक्ट्री था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए आगे भी ऐसे अभियान होते रहेंगे। अपने बहादुर सैनिकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने जेनिन में कई आतंकी ढांचों को बर्बाद कर कई हमले रोके। हम जब ये अभियान खत्म कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये वन टाइम एक्शन नहीं है। आतंकवाद खत्म करने के लिए हम ये करते रहेंगे और जेनिन को आतंकियों के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं बनने देंगे। इस बीच इस अभियान के खिलाफ तेल अविव में एक हमला हुआ। एक 23 साल के फिलिस्तीनी शख्स ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर कार चढ़ा दी और फिर वहां मौजूद लोगों पर चाकू से हमला किया। इस हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। वहां से गुजरते एक शख्स ने हमलावर को मार गिराया। इस जगह पर पहली बार आतंकी हमला हुआ है। मैं यही बड़ा हुआ हूं, लेकिन इसराइल में यही हालत है, दहशत है। हमें इसकी आदत डालनी होगी। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसे आम लोगों के खिलाफ युद्ध बताया है और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।